नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हीना। अहमदाबाद और गुजरात में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का मौसम? मौसम विभाग ने क्या जताई बारिश की संभावना, आइए देखते हैं मानसून रिपोर्ट। गुजरात में इस बार शुरुआत से ही अच्छी बारिश हो रही है, जिसको लेकर पिछले सप्ताह में सौराष्ट्र के कई भागों सहित दक्षिण गुजरात के नवसारी, सूरत, वापी, डांग में जमकर बारिश हुई थी। मौसम विभाग द्वारा यह सप्ताह में बारिश की कम संभावना जताई गई है। पाँच दिन में गुजरात स्टेट में देखा जाए तो कोई सिस्टम नहीं है, बारिश रहेगी लेकिन बारिश काफी कम रहने का संभावना है। आज यानी 24 आवर्स के लिए गुजरात स्टेट में मेनी प्लेसेस में बारिश हो सकती है, लेकिन जो बारिश रहेगी मोस्टली लाइट टू मॉडरेट रेन होने का संभावना है, हेवी रेन होने का ज्यादा संभावना नहीं है। कल से भी और बारिश में कम होने का संभावना है, कल परसों से इन अगले 3-4 दिन का बाद आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश हो जाएगी, बारिश होने का भी ज्यादा संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि हाल ही में राज्य में कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है, फिर भी बारिश का माहौल देखने को मिल सकता है। हाल हल्की बारिश होने की संभावना है। अहमदाबाद शहर में भी हल्की सी बारिश होने की संभावना है। 7 दिन तक भारी बारिश की कोई संभावना न होने के कारण हल्की सी बारिश हो सकती है। राज्य में अभी तक इस साल 85% बारिश दर्ज हो चुकी है, जिसके चलते पानी की कोई समस्या इस साल नहीं होगी। आने वाले 5 दिनों के लिए मछुआरों को वार्निंग दी गई है, समुद्र में करंट आ सकता है, इसलिए 5 दिन के लिए मछुआरों के लिए अलर्ट घोषित किया गया है। पिछले सप्ताह में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई भागों में भारी बारिश के कारण जलभराव की समस्या देखने को मिली थी, अब कोई भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वेलकम बैक। कंगना ने करण की फिल्म के कलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में उनका मानना है कि एक बेकार फिल्म इतनी कमाई कैसे कर सकती है। ऐसे में कंगना ने सबूत के साथ करण पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पैसे देकर कुछ भी बदलवा सकते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। करण जौहर की फिल्म रानी और रॉकी की प्रेम कहानी हर बीतते दिन के साथ अच्छे से अच्छा कलेक्शन कर रही है, पर कंगना रनौत लगातार करण जौहर के वो वीडियो शेयर कर रही है जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि पैसा फेंककर वह कुछ भी कर सकते हैं। कंगना ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें करण से एक स्टूडेंट सवाल कर रहा है, जिसके जवाब में करण कहते हैं कि नंबर्स बदले जा सकते हैं, वह पैसे देकर कुछ भी बदलवा सकते हैं। कंगना ने अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, वाह करण जौहर जी जो बोल रहे हैं कि मैं पैसे फेंक कर कुछ भी करवा सकता हूं, कुछ भी प्रिपरेशन बिल्ड कर सकता हूं, फ्लॉप को हिट, हिट को फ्लॉप, दिन को रात, रात को दिन साबित कर सकता हूं, सिर्फ पैसे फेंक कर। क्या आपको लगता है करण जौहर सही बोल रहा है? करण और कंगना का 36 का आंकड़ा पुराना रहा है। कंगना जब करण के चैट शो में आई थी तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे, तभी से दोनों के बीच अनबन चल रही है। कंगना ने साफ तौर पर करण को इंडस्ट्रीज के नेपोटिज्म के फैलाने का जिम्मेदार बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। सुष्मिता सेन एक फिर OTT पर अपना भौकाली अवतार दिखाने को तैयार है। ताली के टीजर में एक्ट्रेस ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की भूमिका में नजर आ रही है। इस टीजर की कहानी शो के बारे में क्या कह रही है, आइए देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लंबे समय से बॉलीवुड से दूरी बनाए हुई थी, पर OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद उनके करियर को नई उड़ान मिली है। नए वेब शो ताली में सुष्मिता ट्रांसजेंडर के रूप में नजर आ रही हैं। सीरीज का टीजर रिलीज हो गया है। सुष्मिता सेन फिर OTT पर अपना भोकाली अवतार दिखाने को तैयार है। ताली के टीजर में एक्ट्रेस ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की भूमिका में नजर आ रही है। टीजर की शुरुआत दमदार डायलॉग के साथ होती है। गौरी की भूमिका निभा रही सुष्मिता कहती हैं, मैं गौरी जिसे कोई हिजड़ा कहता है तो कोई सोशल वर्कर, कोई नौटंकी बुलाता है तो कोई गेम चेंजर। ये कहानी इसी सफर की, गाली से ताली तक। जो लोग अपनी असलियत दिखाने से डरते हैं वो कभी जीतते नहीं बाबू, स्वाभिमान, सम्मान, स्वतंत्रता, मुझे ये तीनों चाहिए। गौरी सावंत का जन्म पुणे की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। गौरी सामाजिक कार्यों में काफी एक्टिव है।
वो महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए काम करती है। बेसहारा लोगों के लिए गौरी एक एनजीओ भी चलाती है। गौरी सावंत की जिंदगी पर आधारित सीरीज 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, मगर कई बार उनके भक्तों को धाम के नाम को लेकर भ्रम हो रहा है। वो मध्य प्रदेश के बजाय उत्तराखंड के बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, ऐसा किस वजह से हो रहा है, आइए देखते हैं। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए उनके भक्त मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के बजाय उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचकर जब उनको पता चलता है कि वो गलत जगह पहुंच गए हैं, तो बाबा बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे हैं। बागेश्वर कोतवाली पुलिस और बागनाथ मंदिर के पुजारी के पास हर दिन लोग फोन पर संपर्क करते हैं। कई भक्त हजारों किलोमीटर का सफर तय कर उत्तराखंड के बागेश्वर तक पहुंच रहे हैं। गूगल पर सर्च करके लोग बागेश्वर पहुंच रहे हैं, साथ ही बागेश्वर कोतवाली का नंबर ढूंढकर फोन भी कर रहे हैं। कई बार भटककर बागेश्वर पहुंच रहे लोगों के ठहरने की व्यवस्था पुलिस को ही करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, भक्तों का सामान खोने और बच्चों के गुम होने की शिकायतों से बागेश्वर पुलिस काफी परेशान है। बागनाथ मंदिर के पुजारी भी बताते हैं कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े फोन उनके पास आते हैं। कई बार तो इतनी अधिक भीड़ पहुंच जाती है कि सुरक्षा कर्मियों को काबू करने में काफी दिक्कत पेश आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बोल, बौद्ध मठ तोड़कर बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथपुरी बनाए गए, क्यों ऐसा बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या है मामला? सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथपुरी धाम बौद्ध मठ तोड़कर बनाए गए। अगर भाजपा के लोग हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे तो बौद्ध हर मंदिर में बौद्ध मठ ढूंढेंगे, जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी मौजूद है। इसीलिए बेहतर है कि हर धार्मिक स्थल की 15 अगस्त 1946 की स्थिति को कायम रखा जाए। उन्होंने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि भाजपा साजिश के तहत हर रोज हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठाती है। मंदिर मस्जिद को लेकर समाज में भेदभाव फैलाने का काम भाजपा कर रही है, जबकि हमारा संविधान सभी धर्मों को सम्मान करना सिखाता है। भाजपा हर मस्जिद में मंदिर खोज लेती है, हर मंदिर में बौद्ध मठ स्थापित है, यहाँ तक कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी पहले बौद्ध मठ था। शंकराचार्य ने बौद्ध मठ को परिवर्तित कर बद्रीनाथ धाम स्थापित किया था। मौर्य ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मेरे बयान पर आपत्ति जताई है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सबकी आस्था एक जैसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दिल्ली में सितंबर में होने वाली G20 की मीटिंग के लिए तैयार हो रही है। इसे भारत मंडपम नाम दिया है। 123 एकड़ में बना ये कॉम्प्लेक्स सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। सेंट्रल विस्टा का काम यहां तक पहुंचा है, कितना बाकी है और कब तक पूरा होगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सेंट्रल विस्टा का काम किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि दुनिया भर से आए मेहमानों के सामने सेंट्रल विस्टा को मिसाल की तरह पेश किया जाए। प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। सेंट्रल विस्टा का नाम किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह चल रहा है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को ही सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इनमें संसद भवन और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम पूरा हो चुका है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को उद्घाटन किया था। इसे कर्तव्य पथ नाम दिया है। अगला टारगेट उपराष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस का काम जल्द पूरा करने का है। पूरे प्रोजेक्ट में नई बनने वाली कोई भी बिल्डिंग 42 मीटर यानी 7 फ्लोर से ज्यादा ऊंची नहीं होगी, क्योंकि इंडिया गेट से ऊंची कोई इमारत सेंट्रल विस्टा में नहीं बनाई जाएगी। सभी बिल्डिंग बाहर से एक जैसी दिखेंगी और एक दूसरे से कनेक्ट होगी। सभी की कनेक्टिविटी दिल्ली मेट्रो से भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।